क्या 82 बच्चे एक ही सेंटर पर एक साथ एग्जाम दे सकते हैं कंटिन्यू वाले? चलो दे भी दिया उन्होंने, तो क्या एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे सारे? हाँ जी सर, आपने उस दिन हमारे स्टूडेंट्स का ग्रुप डी पे जिनके साथ धोखा हुआ था उनको सपोर्ट करके NWR पे आपने प्रदर्शन किया था, उसके बाद आप अंदर भी जाके आए थे, उनसे बातचीत करी थी आपने, तो उसके बाद अब आपको क्या वहाँ से राय मिली, वहाँ से क्या सांत्वना दी गई आपको, अंदर से क्या जवाब मिला? देखिए, जिस दिन हम ये प्रदर्शन कर रहे थे, आपने पहले देखा होगा इस भी आप में, हम लोग NWR ऑफिस गए थे, वहाँ पे अंदर जाने के बाद हमें ये कहा गया था कि आप जो है किसी प्रकार के अपने जो भी मांगे हैं या जो भी अपनी परेशानियाँ हैं उनको आप NWR जयपुर, RRB अजमेर और रेल मंत्रालय भारत सरकार के लिए एक जो है ज्ञापन के रूप में दें। उसके बाद हमने जो है एक एप्लीकेशन तैयार करी, उसके अंदर हमने हमारी कुछ मांगे रखी और जो भी अनियमितताएँ पाई गई थी, जैसे कि हमने ये देखा था कि पूर्णांक 100 में से 109, 106, 111 या 115 किस प्रकार आए हैं, हमने उनको गहनता से देखा। इस प्रकार तो हमें जो चीज़ें मिली लेकिन वो 120 से नीचे ही मिल पाई, और हमें ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला था कि जो 148 जो है शो करता हो। तो हम बाकी 148 और 100, 999 या 576 इन सबको तो हम जो है फेक मानते हैं, लेकिन जो 116, 106, 111 ये सब जो आए थे जिसके प्रूफ मैंने आपको उस दिन भी दिखाए थे और मैं आज भी आपको बता दूंगा, वो बिल्कुल सत्य पाए गए। दूसरी चीज़ ये थी कि एक बिहार का जो कोई सेंटर था उस पर लगातार 82 सिलेक्शन थे। देखिए, हो सकता है उस दिन हमने जो है आपको कुछ गलत फैक्ट दे दिया हो, लेकिन मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, 82 सिलेक्शन थे, 82 सिलेक्शन थे, और वो 82 सिलेक्शन का जो है मेरे पास एक आपके लिए जो एक ये है प्रूफ भी है, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने RRB की साइट से। इसका रिजल्ट डाउनलोड करोगे तो आपको जो है रोल नंबर जो है ये रजिस्ट्रेशन नंबर 2620040427300 से लेके 2624042730218 तक कंटिन्यू सिलेक्शन है। कोई एक दो बीच में जो है इन्होंने मिस कर दिए हैं या हो सकता है फेल हो गए हैं, 3, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 17 इस प्रकार जो है कंटिन्यू 82 सिलेक्शन है। ये बड़ा एक मुद्दा है। दूसरा एक चीज़ जो हम एविडेंस के रूप में देखिए, कई सारे लोग ये है ये तो पक्का है कि इसके अंदर धांधली हुई है। धांधली किस लेवल पे हुई है ये आप सबको पता है और भारत सरकार को भी ये पता है। हम ये नहीं चाहते, हमारा कोई विरोध भारत सरकार के खिलाफ नहीं है, हमारा विरोध है कि ये जो आप भारत सरकार ने जो बोर्ड बना रखे हैं, RRB बोर्ड जो बना रखे हैं, इनके अंदर कि ये इस प्रकार की अनियमितता कैसे हो रही है। आप इतनी बड़ी एग्जाम ले रहे हो, TCS इतनी बड़ी कंपनी है, तो ऐसी गड़बड़ कैसे हो सकती है? कंप्यूटराइज गड़बड़ नहीं हो सकती है, ये जो है टेक्निकल फॉल्ट कह के आप इसका जो है पीछे मुद्दा हट नहीं सकते कि टेक्निकल फॉल्ट हो गया है। ये 82 जो सिलेक्शन हुए हैं कोई टेक्निकल फॉल्ट की वजह से नहीं हुए, ये कहीं ना कहीं इसमें धांधली हुई है। दूसरी चीज़ जो मैं आपसे कह रहा था कि हमें एक फैक्ट और है जो मेरे पास है, एक अजमेर डिवीजन से या अजमेर RRB से एक बच्चा है, नाम है अब्दुल हफीज़, और इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मैं आपको बता देता हूँ, ये है, आप इसको खुद भी चेक कर सकते हैं चाहे तो 12800103838। डेट ऑफ बर्थ है इसकी 16 अप्रैल 1993, 16 अप्रैल 1993। आप इसको खुद चेक करोगे तो आप इसको पाओगे कि इसके जो नॉर्मलाइजेशन होके जो मार्क्स हैं वो 41.514450 है, ठीक है कि नहीं? लेकिन इसका एक हमने अभी जो रिजल्ट इसका जो देखा है, जो हमने इसका रिजल्ट पाया है कंटिन्यू जो अभी आए हैं उसके अंदर जो हमने इसका देखा है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ये देखिए, आपको इसका मैं आपको जो है बताता हूँ जी, अभी हमने स्क्रीनशॉट लिया था हमने, तो इसके अंदर जो इस बच्चे ने टोटल अटेम्प्ट्स किए थे 87 टोटल अटेम्प्ट्स, आप इसको देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, टोटल अटेम्प्ट्स इसने 87 किए थे और टोटल करेक्ट जो थे इसके 50 क्वेश्चंस करेक्ट थे, दूसरा टोटल रॉन्ग थे इसके 37, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो इग्नोर कर दिए थे RRB ने कि भाई वो गलत है, हमारी तरफ से मिस्टेक्स थी RRB की तरफ से, तो वो थे 4 क्वेश्चन, यानी 96 क्वेश्चन पे जो है क्वेश्चन वैलिड माने गए थे, और उसके बाद इसके रॉ मार्क्स आउट ऑफ टोटल वैलिड क्वेश्चन के अंदर जो बने थे वो थे 37.667, प्रोरोटेड मार्क्स आउट ऑफ 100 जो गवर्नमेंट ने माने वो 39.23 माने हैं, और नॉर्मलाइजेशन होकर इसके मार्क्स 41.54 बने हैं। दूसरी चीज़ ये है कि यदि इतने बने हैं तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सरकार एक बार थोड़ा सा हमें ये बता दे कि ये बच्चा जो है इसकी जो कट ऑफ है, कट ऑफ जनरल कैटेगरी की, यदि मैं आपको कट ऑफ की बात करता हूँ इसके अंदर, तो एक बार मैं आपको कट ऑफ भी बताना चाहूँगा कि RRB अजमेर की कट ऑफ क्या रही थी, ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि हाँ भाई जो है, देखिए
कम्युनिटी की कट ऑफ की यदि मैं बात करूं तो वो भी ये जो यूआर कैटेगरी है, अनरिजर्व कैटेगरी है, जिसकी कट ऑफ 73.73 है। दूसरा मैं आपको कट ऑफ की बात करूं ओबीसी कैटेगरी की, तो उसकी कट ऑफ है 70.10। एससी कैटेगरी की है 63.37 और एसटी कैटेगरी की है 60.62। इसके बाद इसमें जो कट ऑफ है, अभी एक सर्विसमैन तो हम इसको मान नहीं सकते कि 1993 के अंदर जो है एक सर्विसमैन हो गया। दूसरा एक सीसीए जो अपना इसका जो कंपनीज क्रेडिटर एग्रीमेंट एक्ट के तहत जो अप्रेंटिस कोर्स होता है, यदि उसके अंदर आता है तो एक बार हमारी संतुष्टि के लिए चाहे से सरकार इसका डिक्लेरेशन दे दे कि भाई यदि इस प्रकार इसने कोई कोर्स कर रखा है या कोई चीज़ है, नहीं तो यदि ऐसा नहीं है तो हम ये मान के चलेंगे कि इसके अंदर कहीं कहीं धांधली हुई है। सर वो जो अभी आप जो कोर्स बता रहे थे स्पेशल कोर्स रेलवे का, उससे क्या फ़ायदा होता है? देखिए वो एक तरीके से ट्रेनिंग कोर्स होता है और एक बहुत अच्छा इनिशिएट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मानते हैं इस चीज़ के लिए कि यदि कोई बच्चा ट्रेनिंग कर लेता है, उस चीज़ को सीख लेता है, तो सरकार उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट देती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सरकार की बहुत सारी चीज़ें रेलवे के अंदर उसने सीख रखी है, तो उसको दोबारा ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं पड़ती है। और उसका 20% रिजर्वेशन सरकार उसको हर एग्जाम के अंदर देती है, और वही 20% रिजर्वेशन का बेनिफिट को मिलता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स उसके अंदर बहुत कम लोग अभी इस कोर्स को करते हैं, तो उसके कारण है कि इसकी कट ऑफ जो है अभी कम जाती है। तो मान सकते हैं कि सर वो जो आप बिहार के जो बताया था, जैसे कि आपने वो सबूत बताया था बिहार के ये हैं, तो इन्होंने भी वो स्पेशल कोर्स कर रखा हो क्या पता सर? ये आरआरबी पटना ने ये चीज़ का डिक्लेरेशन हमें दिया है एज ए जो है उन्होंने नोटिस जारी करके कि इन सब ने जो है ये CCA CCAA कोर्स कर रखा था, ठीक है कि नहीं? कंपनीज क्रेडिटर एग्रीमेंट एक्ट के तहत जो है एक्ट अप्रेंटिस का कोर्स कर रखा था। लेकिन हमारा इशू ये नहीं है कि कोर्स कर रखा था, ठीक है साहब आपने जो इनके लिए दे दी छूट दे दी, लेकिन क्या 82 बच्चे, क्या आप एक ही चीज़ बताइए, क्या 82 बच्चे एक ही सेंटर पर एक साथ एग्ज़ाम दे सकते हैं कंटिन्यू वाले? चलो दे भी दिया उन्होंने तो क्या एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे सारे के सारे? भाई कभी दो बच्चे जब अपना रजिस्ट्रेशन साथ साथ करते हैं चाहे कोई भी एग्जाम हो, उन बच्चों का भी रेयर केस में कोई संभावना 1% कोई केस बनता है कि उन दोनों का सेंटर भी एक जगह आ जाए। क्लासरूम तो अलग अलग है लेकिन सेंटर भी एक जगह आ जाए ऐसा बहुत ही कम बनता है। लेकिन आपने उन सबके जो है सेंटर से एक जगह दे दिए, इसका मतलब क्या है? आपने उन 82 बच्चों को चिन्हित करके एक जगह बिठाया भाई, आपने उन 82 बच्चों को चिन्हित करके एक जगह बिठाया, ऐसा क्यों भाई? ये स्पेशल कोर्स वाले हैं, ऐसा तो नहीं है कि केवल बिहार ने स्पेशल कोर्स कर रखा हो, राजस्थान में नहीं होता है, तमिलनाडु में नहीं होता है, चेन्नई में या अपने मुंबई में नहीं होता है, सब जगह होता है कोर्स। और जगह से ऐसी खबरें क्यों नहीं आ रही है फिर, केवल एक बिहार से ही क्यों आई है भाई? यदि सरकार इसका क्लेरिफिकेशन हमें देना चाहती है तो विद प्रूफ दे कि भाई इस रीजन से इनके सेंटर्स एक जगह आ गए, और एक जगह आने के बाद आप इसको कह रहे हो मैं आपको रजिस्ट्रेशन नंबर बताऊंगा कि 003 पर पास हो रहा है, 006 पास हो रहा है, 008 हो रहा है, 0012 हो रहा है, 0013 14 15, क्या ये कंटिन्यू सारे एक साथ ही हो रहे हैं पास? इसका कुछ तो आप हमें दीजिए जवाब। तो हमारी आपसे यही अनुरोध है, सरकार से यही अनुरोध है, रेल मंत्रालय से ये अनुरोध है कि इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। ये जैसे तैसे तैयारी करते हैं, गाँव से आते हैं, गाँव परिवेश डांडी से बिलोंग करते हैं, ये यहाँ रहते हैं, बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों के अंदर अपनी फ़ीस जमा कराते हैं, मोटी फीस देते हैं, मकान मालिक को खर्चा देते हैं, किराया देते हैं खुद का जो भी है, और एक साल दो साल तीन साल जम के जिस परीक्षा की तैयारी करते हैं, अंततः आपके इस नॉर्मलाइजेशन जैसी जो विधि है इसमें फंस के रह जाते हैं। इसका कोई जो है नीतियार्थ नहीं निकलता है कि आप इन बच्चों के भविष्य के साथ खेलो। आपसे इनको बड़ी आशा है, देखिए सरकार से ही आशा कर सकते हैं ये लोग, ये बात है। थोड़ा सा आपसे हमारा निवेदन ये है कि सरकार इस चीज़ में ध्यान दे और नॉर्मलाइजेशन के जो पैटर्न है, बिल्कुल अच्छी चीज़ है, मैं उसको गलत नहीं मानता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन जो है गलत है, बिल्कुल अच्छा है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन को एक बार अच्छे से समझा तो दें ताकि ये बच्चे भी तो उस चीज़ के लिए आगे अवेयर हो जाए कि आगे जो परीक्षा आ रही है उसके अंदर नॉर्मलाइजेशन होगा, और हमें इस तरीके से नेगेटिव नहीं करने या जो हार्ड पेपर आता है उसके अंदर हम कम क्वेश्चन करें ताकि हमारा सिलेक्शन फिर हो सके, ताकि स्टूडेंट भी समझे कि नॉर्मलाइजेशन का पैटर्न क्या रखा है आ रहा है। अब आप इसको क्रिकेट के डकवर्थ लुईस नियम की तरह कर दोगे जो आज तक किसी के समझ नहीं आ रहा है सर, ना तो आपके समझ आया ना हमारे समझ आ रहा है आज तक। सर एक बार आप मोटा सा आइडिया दे सकते हैं नॉर्मलाइजेशन जहाँ तक आपने समझा है वो? जहाँ तक मैंने समझा है नॉर्मलाइजेशन को, उसके अंदर जो सरकार के कुछ नुमाइंदों ने समझाने की कोशिश करी है जिस फॉर्मूले के अंदर, तो वो चीज़ ऐसी होता है कि जो हार्ड पेपर आता है
उस हार्ड पेपर के अंदर ये ऑब्वियसली है कि बच्चे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर पाएंगे, तो जो कम कर पाएंगे तो उसके अंदर टॉपर होता है। यदि कोई ना कोई बच्चा तो ऐसा होगा जिसने टॉप किया होगा उसके अंदर, और उस पूरे बैच का जो है एवरेज निकाला जाता है। दूसरा उसके बाद जो सबसे कम मार्क्स आते हैं उसको भी देखा जाता है, और एक सबसे आसान पेपर होता है उसके अंदर भी यही विधि अपनाई जाती है कि टॉपर कौन है और जो है आपके लोएस्ट कौन है और एवरेज कौन है। इन सब को एक फॉर्मूले में फिट करके ये जो लो है इसका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स निकालते हैं। दूसरा ये है कि हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ बच्चों के नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जो है 100 से ज़्यादा जा सकते हैं। जैसे कि यदि कोई बच्चा हार्ड पेपर के अंदर, मान लीजिए सपोज करो कैसे भी किसी भी विधि द्वारा, या पढ़ के इंटेलिजेंट या कोई भी एक्स वाई जेड कंडीशन माता दी करके, जय माता दी करके 95 मार्क्स या 97 मार्क्स लेके आ जाता है, तो उसका जो है 116 112 तक जो है कट ऑफ जा सकता है 100 में से। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम ये चीज जानना चाहेंगे कि एक एग्जाम्पल देके आप एक एग्जाम्पल थोड़ा सा कष्ट ये भी करें कि एक एग्जाम्पल देके इन बच्चों को समझा दें सभी को कि भाई इस तरीके से हमने नॉर्मलाइज किया है आपका मार्क्स और कितने नंबर बनते थे, ताकि ये बच्चों को तसल्ली हो जाए, ये मानने को तैयार हो जाए कि भाई हाँ ठीक है, हमने इस विधि ये जो तरीका अपनाया गया है या आगे भी परीक्षाओं में अपनाया, क्यों, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन ये तो है नहीं कि केवल जो है रेलवे अपनाएगी। कल ही CPO के नोटिस आ गया है, जो CPO की जो एग्ज़ाम ले रही है SSC CPO, उसमें भी कल नोटिस जारी कर दिया कि भैया हम भी नॉर्मलाइजेशन करेंगे ताकि कल कोई विवाद खड़ा ना हो। तो ये विवाद खड़ा होगा जब तक नॉर्मलाइजेशन अच्छे से समझ नहीं आएगा। आप SSC ने भी जो है क्लियर कर दिया है CGL के अंदर जो है नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन करो, अच्छी बात है, ताकि कोई बच्चे के साथ नाइंसाफी ना हो, लेकिन उसको एक बार समझा तो दो प्रॉपरली, उस चीज़ को समझा तो दो आप एक बार कि आप किस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं। ओके सर, और अब आपका आगे का क्या प्लान है सर? देखिए, जैसा अभी हमारी कुछ मांगे ये थी कि भाई रॉ मार्क्स बताए जाएं सरकार के द्वारा, और दूसरी चीज़ें ऐसी है कि भी हमने कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन करेक्ट किए, कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन रॉन्ग किए, उसको सरकार ने कर दिया है, और इस चीज़ के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ा सा आप नॉर्मलाइजेशन के तरीकों समझाएं, वरना यदि एक तो ये जो 82 से जो बच्चे सेलेक्ट हुए इसका हमें एक जस्टिफिकेशन दे अच्छे से कि भाई इस कारण से ये हुए, दूसरा नॉर्मलाइजेशन कैसे किया आपने उसको भी एक बार हमें जो है आप बताएं, तीसरा ये है कि इसके अंदर सेंट्रल लेवल पर जो धांधली हो रही है, जो केंद्र लेवल पर जो आप प्राइवेट सेंटर जिनको दे रखे हैं या किसी पर्टिकुलर कॉलेजेस को आपने दे रखे हैं, देखिए हम मानते हैं कि भारत सरकार के पास इतने सेंटर्स अवेलेबल नहीं हैं ऑनलाइन, लेकिन आप जो ये सेंटर्स हैं और भी एग्जाम ऐसी हैं जो एक अच्छे प्रूफ तरीके से हो सकती है। UPSC के एग्जाम में धांधली क्यों नहीं होती भाई? क्या वो परीक्षा नहीं है? वो तो ऑफलाइन होता है पेपर। UPSC में तो कोई धांधली नहीं होती है, ऑनलाइन और भी एग्जाम होती है उनके अंदर तो कोई धांधली नहीं होती है। तो क्या ये सेंटर लेवल वाले जितने लोग हैं आप इन पर कोई ना कोई कड़ा प्रतिबंध लगाओ, कोई तरीके अपनाओ कि भाई या तो इनके सिस्टम को इस तरीके से करो कि भाई जैसे ही आप यदि कोई सर्वर का लिंक बाहर उठता है कि आप तक पहुंच जाए जानकारी। और ये भ्रष्टाचार जो इसके अंदर भ्रष्टाचार है, क्योंकि जब भी आप जो है लोग अपॉइंट करते हो तो वो लोग भी कहीं ना कहीं पैसा लेके और जो है लिंक वगैरह प्रोवाइड करवा देते हैं। देखिए ये तो नहीं पता है मेरे को कि कौन सी जगह करवाया गया, लेकिन ऐसी खबरें जो है अखबारों में अक्सर पढ़ने को मिलती रहती हैं। तो ये जो पुख्ता सबूत होते हैं आप इन पर कार्रवाई करें, वरना इस तरीके से तो ये छात्रों के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। कब तक बेचारा तैयारी करता रहेगा, कैसे कैसे आता है ये सबको पता है, फिर कैसे कैसे अपना देश विकास करेगा? सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, क्या इसी प्रकार सबका साथ सबका विकास चलता रहेगा? सर अनएम्प्लॉयमेंट आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा, देखिए अनएम्प्लॉयमेंट की यदि अपन बात करते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट इस समय पर 2019 में चरम सीमा पर है। आप ये बात मान के चलिए कि एक MBA एक BTEC धारी या एक MTEC धारी जो है 5,000 6,000 10,000 की जॉब करने को मजबूर है। आप विश्वास नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो 8,000 रुपये के लिए 10,000 रुपये के लिए उनके पास डिग्री देखोगे मोटी मोटी डिग्रियाँ हैं, और काम वो जो उसका कोई मतलब का नहीं, ऐसा काम ना हो। देखिए कहीं ना कहीं इन्होंने यदि डिग्री लिए हैं तो आप थोड़ा सा निवेदन ये है, ये सारी परेशानी यदि खत्म हो जाए, यदि आप अपनी शिक्षा व्यवस्था पे सुधार कर ले तो। शिक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ी खामी देखने को मिलती है, आप कॉलेज पे कॉलेज खुलवाए जा रहे हैं, चाहे कॉलेज के अंदर जो है क्वालिटी है या नहीं है कोई मैटर नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ें ITI के कॉलेज खुले हुए हैं, डिप्लोमा के कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेज है, कोई और कॉलेज है, अरे इससे अच्छी तो BA की हो गई। एक समय था कि बहुत सारे BEd वाले डोलते थे, आज बहुत सारे BTEC वाले डोलते हैं। देखिए इस प्रकार से जो है ये चीज़ें होती रहेंगी, क्योंकि जो है यदि बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगी तो पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो जो है करेगा, और वो नौकरियों में भी धांधली, ऐसा तो ना हो कम से कम इन बच्चों के साथ। आपने सरकार ने वैकेंसियाँ निकाली, अब फिर ये तो चलो ये 62,000 वैकेंसियाँ थी, 62,000 63,000 जो भी थी, अब 1,00,000 वैकेंसी ग्रुप डी की फिर आ रही है NTPC के तहत, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के तहत, तो क्या इसके अंदर भी यही चीज़ हम देखने को मानेंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। हम ये मान के चलते हैं कि आप हमारी बात को सुनेंगे, और जितने भी लोग आप सुन रहे हो
या जितने भी लोग आप इसको बाद में सुनोगे, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप अपने स्तर पे भी थोड़ा सुधार करो। आप लोगों को ये समझाओ कि हम दानली में सपोर्ट नहीं करेंगे और उसका विरोध करो, पुरजोर विरोध करो। जहाँ भी हो आप विरोध करो, यदि नहीं कर सकते हो, आप के फिजिकली नहीं जा सकते हो, तो जो है आप मोबाइल टेक्नोलॉजी डिजिटल माध्यम से जो है आप अपनी बात पहुँचाओ, सरकार तक पहुँचाओ। आज का युवा है, यूट्यूब के माध्यम से पहुँचाओ, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सअप के माध्यम से, गलत प्रचार मत करना। इसका मैं आपसे निवेदन करता हूं। किसी बच्चे के जी माइनस में मार्क्स हैं, जितने मार्क्स हैं, देखिए आपके पास फैक्ट हो तो ही बात करना। गलत प्रचार करने से इस देश के जो है युवा को आप हतोत्साहित मत कर देना कि वो हतोत्साहित होकर गिर पड़े, ये काम मत करना। सर, सुनने में आया कि आप स्टूडेंट्स को मिलके आपके नेतृत्व में कुछ RTI लगाने की भी सोच रहे हैं। देखिए, हम इसको RTI भी लगाएंगे, दूसरा जो है रिट भी लगाएंगे। हाई कोर्ट के अंदर हम लोग इस पर रिट भी लगाएंगे और एक रिट शायद हो सकता है लग भी चुकी है, जहाँ तक मेरे ध्यान में आ रहा है बिहार के अंदर कहीं रिट लगाई जा चुकी है। यदि उस पर फैसला आता है, देखिए आचार संहिता भी लग चुकी है, तो हम आंदोलन भी नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा दिक्कत ये भी है। तो देखिए, आचार संहिता लगाई गई है चुनावों के लिए, चुनाव है लोकतंत्र के लिए। अब वो लोकतंत्र बनता है जनता से, अब यदि आप जनता के साथ ही खिलवाड़ करोगे तो क्या वो लोकतंत्र सही हो पाएगा? तो हम चाहते हैं, आप मीडिया चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, जितने भी मीडिया चैनल्स जो है, आप हो या और भी कोई मीडिया चैनल सुन रहे हैं, आपसे एक अनुरोध है। आपको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, तो आपसे ये अनुरोध है कि आप ये हमारी बात जो है बड़े मीडिया चैनल्स जो हैं रेगुलर, जिनको जनता देखती है, आप उन तक पहुँचाएं किसी प्रकार से। आप उनसे कहें कि भाई ये जो परेशानी है, इन बच्चों की परेशानी को सुने, क्योंकि यदि ऐसा चलता रहेगा तो आप ये मान के चलिए देश का विकास संभव नहीं है। किसी भी प्रकार से देश का विकास संभव नहीं है, चाहे लोको पायलट की वैकेंसी हो, RPF की वैकेंसी हो, NTPC की वैकेंसी हो, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी हो, SSC की वैकेंसी आने वाली है, सब में धांधली को आप कृपा करके रोकें। ये हमारा आपसे अनुरोध रहेगा। और यदि कार्रवाई नहीं होती है तो हम किसी भी स्थिति तक जा सकते हैं। ये छात्रों का संगठन होता है, ये आप जानते हैं कि छात्र जो है अपने आप में बहुत संगठित जब हो जाता है तो सरकारें गिर जाती है। तो सरकार से अनुरोध ये है, अब तो सरकार नहीं है, आचार संहिता लग गई है, सभी अधिकारियों से अनुरोध है, जितने भी सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, कि आप कृपया करके इनके सही रिजल्ट को निकालें, भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें, क्योंकि यदि भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा इनके तो मतलब सही नहीं रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा इनका, क्योंकि जैसे तैसे ये मेहनत करते हैं बेचारे, जैसे तैसे घी लेके आते हैं, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है। तो कृपया करके आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखें और इस पे जो है तुरंत कार्रवाई करें और सही ढंग से रिजल्ट जारी करें, जो बिल्कुल एकदम करेक्ट ढंग से जो रिजल्ट जारी हो सकता है, जिसके अंदर सही बच्चे पास किए जाए और गलत बच्चों को आप पास ना करें। और आगे भी जो है आप इसी माध्यम से नॉर्मलाइजेशन करें तो नॉर्मलाइजेशन को समझाएं एक बार कि इस प्रकार नॉर्मलाइजेशन हमने किया है। ठीक है, आपका थोड़ा सा वक्त जाएगा, लेकिन थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन को समझाएं।